आप पता है किस चीज़ों में बिजी हो? मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ, और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करेगा। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पर पड़े हुए हो, वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे उसके पैरों में, फिर गिर जाओगे कि हाँ उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो, अब आप भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। चीजों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी जिंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो 2 चीजें हो सकती है। एक, हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया आपके लिए अच्छा है। क्या होगा, दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर तक, फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। और मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है आपका। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, क्या बात कर रहे हैं? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, वापस तो आ ही जाओगे। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है। हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार, और फिर भी हम जीवित रहते हैं। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसी ही। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जीवन का। क्यों चीजों को इतना जटिल करना है? अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, है ना, आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने अपनी? किस चीज के लिए? किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा करोगे आप? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा जीवन आप निछावर कर दोगे, वो भी उसके ऊपर जो आपको महत्व नहीं देता है। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी 1 रोटी दे दो तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफी भी मांग लेते हैं, क्या हुआ मुझसे नाराज हो क्या बेटा। जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना। बात समझ में आई? यही है, आप सब जो मेरे से इतनी क्वेश्चन पूछते रहते हो कि बैकलॉग कैसे सॉल्व होगा, मोटिवेशन कैसे आएगा, इन सब का जो सोल्यूशन है इन्हीं बेसिक चीजों में अब बचा हुआ है। मैं यहाँ एक कोई स्ट्रेटजी लिख दूं मोटिवेट होने की, यहाँ कोई मैं मोटिवेशनल ज्ञान आपको दे दूं उससे आप मोटिवेट हो जाओ, वो एनर्जी आपके अंदर 1-2 दिन रहेगी। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की। अपने जीवन का सत्य समझो। कब तक इन चीजों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीजों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम भाग के। जो जीवन आपको मिला है ना, मनुष्य के रूप में जो जीवन मिला है, ये भगवान का दिया बहुत अनमोल तोहफा है। बस किया क्या, इस दुनिया ने आपको डरा दिया कि जीवन बहुत कठोर है, हैं? जीवन जीना बहुत कठिन है, संसार में बड़ी मुसीबत है, जिंदगी एक दानव है, ऐसा आपको डरा दिया गया है।
जीवन बहुत खूबसूरत है, आपके लिए हजार तोहफे लेके आपका लक्ष्य वहां पे खड़ा हुआ है, बाहें खोले हुए, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, खुद को काबिल बनाना है ताकि उस लक्ष्य के काबिल आप हो जाओ, उन तोहफों के काबिल आप हो जाओ, बस इतना है।